हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और इस वीडियो में आइए चल के करते हैं साथ में प्री मार्केट एज वेल एज पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथली एक्सपायरी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देयर इज अ लॉट ऑफ बेयर ट्रैपिंग दैट इज गोना हैपन ऑन द लोअर साइड। सो आइए चल के करते हैं सम प्री मार्केट एनालिसिस एज वेल एज बहुत कुछ सीखने मिलेगा थ्रू माई ट्रेड दैट आई एम शेयरिंग ऑन डेली बेसिस। सो थर्सडे 18th ऑफ नवंबर का ट्रेड भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें हमने 43,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। वी हैव टेकन टू ट्रेड्स, वन इन निफ्टी एंड एन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड इन बैंक निफ्टी। बोथ हैव वर्क प्रीटी वेल। सो उन ट्रेड्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो डू अ प्री मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे, वो है 22 नवंबर का दिन, सोमवार का दिन। सो आज हम बात कर रहे हैं ऑन 21st ऑफ नवंबर, सो रविवार रात को हम बात कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर योर चार्ट्स टू 100% एक्यूरेट लेवल्स एंड वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू मेक 20,000 to 40,000 रुपीज ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन 22nd ऑफ नवंबर। सो 22 नवंबर का एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये बात आप जरूर याद रखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी। निफ्टी में हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक काम किया है इन टर्म्स ऑफ, जिसमें तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन है बेस्ड ऑन द सीपीआर। जब भी चार्ट्स खोलो, डेली सीपीआर को स्टडी करो, उसके प्लेसमेंट को स्टडी करो। सीपीआर इज बेरिश इन नेचर, लोअर इन नेचर, डिसेंडिंग इन नेचर। हमारा प्लान है दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ये कहा था कि देयर इज अ मेजर probability of a reversal and Nifty and Bank Nifty being a sideways days on a Thursday. तो हमारा analysis था accurately right for Bank Nifty. Bank Nifty S1 pivot level के नीचे all throughout the day trade नहीं कर पाया and it was confined, it was restricted, it was stopped and it gave a rounding bottom sort of pattern showing a sort of reversal from you know Camarilla L3 L4 को break नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ R1 pivot को और Camarilla H4 को भी break नहीं कर पाया। तो it was absolutely sideways and non-trending and sort of reversal signs are very strong in Bank Nifty. लेकिन Nifty के लिए it went against our prediction and Nifty showed a super trending move. लेकिन इस ट्रेंडिंग मूव को, दो इट हैज गॉन अगेंस्ट आर व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस वर, तो हमारा प्लान है हमेशा रेलवे ट्रैक पैटर्न का, जो है आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखना है। आप अगर ये वीडियो स्किप भी कर दे तो भी चलेगा, लेकिन रेलवे ट्रैक पैटर्न की जो स्ट्रैटेजीज है, जो 16 वीडियोस मैंने फ्री में अपलोड किए यूट्यूब के ऊपर, उसे आप एकदम एक्यूरेटली फॉलो कीजिए। बहुत कम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैं रिलाय करता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जिसने डिफाइन कर दिया कि द फॉल इज गोइंग टू बी मैसिव इज द लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न। सो 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैंने अपने आप को डेडिकेट किया है एंड टू द नेवर changing price principles which is based on the floor pivots, Camarilla levels as well as CPRs. और सिर्फ इन एक मुट्ठी भर चीजों को लेकर you can go a very very long far away in your journey even to achieve financial freedom. तो यहाँ पर लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न बहुत रेयरली आपको देखने मिलता है इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, लेकिन जब भी आपको ऐसा पैटर्न 15 मिनट के ऊपर, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के 3 कैंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। रेजिस्टेंस जो डोजी कैंडल है दैट हैज फॉर्म्ड इटसेल्फ ऑन द डिसेंडिंग सीपीआर विच वॉज एक्सट्रीमली वाइड एंड द रेड कैंडल गिव्स अ क्लोजिंग बिलो द रेड यू नो द ग्रीन कैंडल। सो जो लेफ्ट साइड की कैंडल जो ग्रीन है, बाद में आपको एक लेफ्ट आई राइट आई पैटर्न, सो उसके ऊपर जो आपको नोज मिलता है, दैट नोज इज अ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन द राइट आई इज गिव्स अ क्लोजिंग बिलो द यू नो ओपनिंग ऑफ द डे। सो बेसिकली जहां पे आपकी डे की शुरुआत थी, विक था नीचे, विक को आप कंसिडर मत कीजिए एंड देन यू गॉट अ लो ओवर हियर। सो दिस वॉज अ परफेक्ट एंट्री विद कन्विक्शन यू कुड हैव टेकन, बट अगेन माई ऑलवेज आइडिया इज दैट आई विल वेट फॉर प्रीवियस डे लो टू बी ब्रोकन। सो प्रीवियस डे लो का मार्क यहाँ पर कहीं पे है एंड आई ऑल्सो वेट फॉर S1 पिवोट लेवल टू बी ब्रोकन एंड इवेंचुअली आई हैव ऑल, मैंने आपको हजारों बार कहा है लो को मार्क कीजिए, लो पे कभी एंट्री मत लीजिए। सो ये कंसोलिडेशन को भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपने एक्साइटमेंट में 600 700 हजार की क्वांटिटी ले ली है, तो आपको 2 सेकंड में 5 मिनट में आपको 25-30 हजार का लॉस दिखाई देगा व्हेन दिस ग्रीन कैंडल्स आर फॉर्मिंग ऑन द हायर डायरेक्शन। सो आपको ये कंसोलिडेशन इज वेरी हेल्दी, वेरी नेसेसरी फॉर द प्राइस टू गिव अ ब्रेकआउट। तो ये कंसोलिडेशन होने दीजिए, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को फंसने दीजिए, यू ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, क्योंकि रेलवे ट्रैक पैटर्न एक बार, ये दूसरी थियरी है आरटीपी की, आफ्टर अ स्क्वीज, सो व्हेन यू व्हेनेवर यू सी अ स्क्वीज एंड देन अगेन एन एक्सपेंशन ऑफ एन आरटीपी दैट
shows that market has taken a nap and again it is expanding and going to fall down with massively deeply with the momentum. तो यहाँ पर हमने एंट्री ली है. इवेंचुअली हमने प्रॉफिट्स कहाँ पे बुक किए हैं और वो एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी. सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड, मुझे मंथली लेवल्स के ऊपर, स्विंग्स के ऊपर कोई मेजर सपोर्ट लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे थे, बट आप यहाँ पर इसको स्विंग हाई मार्क कर सकते हो. बट अगेन दिस वॉज अ रेड कैंडल, सो आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड विथ इट. जो मुझे यहाँ पर एक दूसरा स्विंग हाई है विच वॉज ऑलरेडी ब्रोकन, सो आई वॉज नॉट गेटिंग एनी लेवल्स एट सच. Eventually, I found my critical levels on a weekly time frame. So basically, I'll go back to the Nifty levels. So ये जो red का black line आप देख रहे हो, that is ये जो low है, that is the दो week पहले का low था. So Nifty ने इतना deep correction दिया है कि उसने अपने दो week पहले का जो low था, मतलब पूरा week का जो low है price action में, पूरा week का price action अगर लोगे दो week पहले का, तो उस लो के ऊपर निफ्टी ने यहाँ पर रिएक्शन दिया है. अगर आप यहाँ पर रियलाइज करोगे ये वीक, देन यू विल नेवर फाइंड दैट यू नो कि कौन से क्रिटिकल लेवल से टर्न अराउंड हो रहा है. सो काफी क्रिटिकल लेवल्स जो है आपको लो यू नो वीकली टाइम फ्रेम्स पे भी क्रिएट हो सकता है, आपको मिल सकते हैं. और निफ्टी का जो बेसिकली प्रीवियस वीक का जो लो है, इफ आई जस्ट गो डाउन ओवर हियर, इट्स समवेयर ओवर हियर. सो ये प्रीवियस वीक का लो है. That was also decisively broken. S1 pivot level break होने के बाद weekly के यहाँ पर retracement तक नहीं हुआ, and eventually now you know price is trading between the previous week low, ये black line, and the 2 week before low. So इन दोनों के बीच में I think definitely एक बहुत सारा consolidation होके Nifty might find a reversal on the higher side, लेकिन जिसकी probability बहुत 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 कम है. निफ्टी ने काफी सीपीआर के अंदर कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ यू नो इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन. सो अगर आपको कल निफ्टी मिले प्रीवियस डे लो के नीचे, अगर कल प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए, तो आपको आग बंद करके कॉन्फिडेंटली बेरिश साइड में पुट साइड में एंट्री लेनी है. एंड पुट साइड में एंट्री लेके आई जस्ट रिमूव ऑल द लेवल्स. आई माई सेल्फ गेट कंफ्यूज एट टाइम्स looking at these many lines. So जो आपको resistance मिलेगा नीचे की तरफ, वो आपको monthly CPR पे ही मिलेगा. So जो previous month का CPR है, वहां तक निफ्टी के लिए कोई major support मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है निफ्टी को all the way to these levels. So 17,500 का level निफ्टी में दिखना बहुत 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 high probability है. और that will only happen, ये बात याद रखिए, that will only happen if the previous day low is broken. So previous day low जो है वो Camarilla L3 का लेवल भी है कल के लिए. सो अगर ये कैमरेला L3 का लेवल ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस डे लो डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है, कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देता है, अगर RTP इंटैक्ट है, तो इन दो सिनेरियोस डेफिनेटली निफ्टी विल कंटिन्यू इट्स जर्नी डाउनवर्ड्स. लेकिन इफ यू गो थ्रू माय इंस्टिंक्ट, जो मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि निफ्टी हैज विल कंटिन्यू एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद इन द CPR इटसेल्फ. सो हो सकता है कि प्रीवियस मंथ के CPR पे सपोर्ट लेके इट विल यू नो गो गिव द रैली अपवर्ड्स, और इट माइट जस्ट कंटिन्यू ट्रेडिंग विद इन द CPR. यही से रिवर्सल भी आपको मिल सकता है. सो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेलवे ट्रैक पैटर्न पूरी तरह से पंक्चर हो चुका है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेलवे ट्रैक पैटर्न काफी इंटैक्ट है, स्ट्रांगली एविडेंट है. सो इट कुड बी दैट कल आपको फिर से एक बार CPR पे बेचने का मौका मिले, दैट विल बी अ लेस यू नो हाई कन्विक्शन एंट्री. एंड अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है रेलवे ट्रैक पैटर्न 15 मिनट के ऊपर अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो ऑल्सो यू विल गेट डेफिनेटली बेरिश एंट्री इन निफ्टी, एंड इवेंचुअली यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स एट डेली S2 पिवोट लेवल, दैट इज ऑल्सो द प्रीवियस मंथ का CPR का लेवल. सो इतना आसान हो जाता है लेवल्स, प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, S2 तक की जर्नी निफ्टी में होने का हाई प्रोबेबिलिटी है. सो दिस वाज माय एनालिसिस इन निफ्टी. अगर आपको रिवर्सल मिले तो निफ्टी इज गोइंग टू बी साइडवेज, ये बॉटम को थोड़ा और एस्टेब्लिश करेगा, एंड बहुत 20-30% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी माइट ओपन विद अ गैप अप अबव द CPR. सो वो भी हो सकता है, और गैप अप के ऊपर आपको मिले डेफिनेटली, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा ये आपको इस पार्शियल वर्जिन CPR के मिलेगा, और ऊपर की तरफ का जो काम है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो डेफिनेटली बहुत बहुत डिफिकल्ट हो चुका है. सो अगर आप पुट साइड में रहेंगे तो आपको बड़े ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स डेफिनेटली मिलेंगे, गो विद द रेलवे ट्रैक पैटर्न इन दैट केस एज वेल. लेकिन देर इज अ इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी शोइंग अ सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एंड अ रिवर्सल ऑन द हायर साइड एज वेल. लेकिन प्रीवियस डे लो अगर निफ्टी में ब्रेक हो गया,
तो आपको 17,500 का लेवल डेफिनेटली देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। फिर आप उसको कोई बचा नहीं सकता फ्रॉम फॉलिंग डाउन। बट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, द डे इज वॉज साइडवेज एज वेल एज पर आर प्रेडिक्शन। एक यू टर्न बैंक निफ्टी ने शो किया है एंड इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस राइट नाउ फ्रॉम द मंथली बाय जोन। सो लेट मी रिमूव दिस ब्लैक लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली क्या लेवल्स पे आते हैं, और ये एक यूनिक रीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई आई कॉल देम द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स। में आपको प्री मार्केट एनालिसिस में एक्यूरेटली कह के गया था कि निफ्टी इज गोइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम इट्स मंथली बाय जोन। सो कैमरेला L3, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर, एंड द कैमरेला L4 इज द बाय जोन फॉर मी। और यहाँ पर एक रिवर्सल आना, यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म करना, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करना, और यहाँ पर एक विक रिवर्सल के साथ एक मेजर रैली ऑल द वे टू द CPR का देना इज नॉट अ कोइंसिडेंस। दीज आर इनडीड द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स। मार्केट की कोई भी स्क्रिप्ट, किसी भी मार्केट की ग्लोबली, नो मैटर इट्स बिटकॉइन हो, करेंसी हो, कोई आपका, नो मैटर वॉट इट इज, दीज नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप आज भी ज्योमेट्री के स्टूडेंट हो, यहाँ वहाँ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हो, जो आपको मोमेंटम के बारे में, चीपेस्ट वैल्यूएशन के बारे में, मार्केट इक्विलियम के बारे में, राइट वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं कहता है, इट जस्ट टेल्स यू द इट जस्ट शोज यू सर्टन थिंग्स अबाउट द प्राइस एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है दैट द मार्केट इज गोइंग टू हैव ओपन इन दैट डायरेक्शन एंड गिव अ ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन। सब बुलशिट बातें हैं, इट इज अ टाइम वेस्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी वेस्टर। तो आपका कैपिटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिल के नजदीक अगर कोई चीज होनी चाहिए तो दैट इज योर ट्रेडिंग कैपिटल, उसे प्रोटेक्ट कीजिए। ट्रेडिंग कैपिटल के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, डोंट ट्राई अननेसेसरी थिंग्स विद योर ट्रेडिंग हार्ड अर्न्ड मनी। आपको एक बार इन नेवर, ये जो सारे बेसिक्स नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स तो मैं आपको रिवील कर ही रहा हूँ टू एनकरेज यू, टू एनलाइटन यू, टू एम्पावर यू, टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट ट्रेडिंग कैन बी अ फुल टाइम बिजनेस एंड अ वेरी 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 प्रॉफिटेबल बिजनेस, वेरी कंसिस्टेंट वन। दीज नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स विल होल्ड एंड कीप योर बैक फॉर एवर। सो अगर आप देखोगे तो ये बाय जोन में से इवेंचुअली यू आर सीइंग दैट you know there is a reversal that's coming in bank nifty, and that was one of the reasons, again that was sort of an experimental trade. Maine jo 43,000 rupees ka profit hai usme se sirf 6,000 rupees bank nifty mein kamaye hain, because this was going against the trend. Agar RTP itna intact hai, agar nifty itna zor se niche gir raha hai, so I'll never go for buying opportunities, but because it was taking support at Camarilla L3 level, that's why I've taken a long entry in bank nifty as well. But again, these never changing price principles is not just empowering for me, aur ye sab theoretical nahi hai. Jisko trading nahi aati hai uske liye sab kuch theoretical hai. See, agar aap sabse easiest स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो RSI की, तो वो जितनी इजी है उतनी अनरिलायबल भी है। MACD जितनी इजी है उतनी अनरिलायबल भी है, नो मैटर बुलिंजर बैंड, दो दुनिया भर का कचरा तो है, डेफिनेटली है मार्केट में आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन एक बार आपने शिद्दत से नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स को, दिस आर ऑल वन लाइनर्स, एक एक लाइन का नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल है, एक बार इसे घोक लीजिए, and these never changing price principles will never ever you know betray you, so they'll always stay with you. क्लब में तो दिवाली मच रही है, आई मीन देर आर पीपल हु हैव मेड लैक्स ऑफ रुपीज ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड टेकिंग स्विंग ट्रेड्स एज वेल। सो अगर आप इंटरेस्टेड है टू टेक सच अमेजिंग हाई कन्विक्शन ट्रेड्स, डेफिनेटली यू शुड जॉइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड आई हैव गॉट सुपर डिस्ट्रैक्टेड, सो लेट्स गेट बैक टू द प्री मार्केट एनालिसिस। सो प्री मार्केट एनालिसिस में फॉर निफ्टी, एज आई हैव सेड, प्रीवियस डे हाई क्रिटिकल है, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी more than the previous, so previous day high is also the monthly Camarilla L3 level, so this level ko aap mark kijiye, ye jo level hai that is going to be the most critical level for bank nifty. Agar bank nifty ne kal previous day low ko toda, yani Camarilla L3 ko toda, monthly Camarilla L3 ko toda, to bank nifty is going to give a major downfall all the way to the monthly CPR. 418 point ki rally aapko niche ki taraf bank nifty mein bhi hoti hui dikhai degi. Ye rally सिर्फ पॉसिबल है अगर प्रीवियस डे हाई डिसाइसिवली ब्रेक हुआ तो। लेकिन ये बात याद रखिए कि रेलवे ट्रैक पैटर्न पंचर्ड हो चुका है इन द लास्ट 1.5 आवर, सो 20 SMA हैज कम अप एंड 50 SMA हैज कम डाउन। सो अगेन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी मोर देन निफ्टी में। ये पूरा कोशिश मेरी ये है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक बाउंस बैक मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली
प्राइस जो है वो जो मंथली सीपीआर से बहुत दूर आ चुकी है, एंड द सीपीआर के बीच में और कैमरेला L3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत मेजर डिस्टेंस है. सो ऑल दिस थिंग्स जो मैटर लॉट. यहाँ पर देखिए सीपीआर और L3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है. सो दिस टेल्स कि यहाँ पर पिवोट स्क्वीज है, जबकि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इतना मेजर पिवोट का एक्सपांशन है. दिस इज कॉल्ड एज ईगल एक्सपांशन. तो बहुत इतना लंबा एक्सपांशन है कि ये सारे लेवल्स क्रिटिकल, मतलब साइडवेज होने वाला है मार्केट, एंड मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट एंड यू नो रीटेस्ट ऑल दिस लेवल्स यू नो डेफिनेटली सेवरल टाइम्स. तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिवर्सल आने का हाई प्रोबेबिलिटी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि सीपीआर को रीटेस्ट किए बिना एक मेजर डाउनफॉल नीचे की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी में मिला है. सो आई थिंक बैंक निफ्टी माइट अगेन गो अप, फाइंड रेजिस्टेंस एट द सीपीआर एंड देन मे कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड्स और यू नो कंसोलिडेट एंड कंटिन्यूड जर्नी अपवर्ड्स. हम इंट्राडे ट्रेडर है, सो लेट्स नॉट गो गेट इनटू स्विंग ट्रेड्स. ज्यादा लंबा ये नहीं करते, बट आपको सीपीआर तक के लेवल्स मिलने के लिए प्रीवियस डे लो का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर टूट गया तो डेफिनेटली गो शॉर्ट एंड बैंक निफ्टी विल फाइंड इट सपोर्ट एट दिस वन पर्टिकुलर लेवल. अगर आप लेवल्स जानना चाहते हो, आई थिंक चार्ट्स आर मोर रिलायबल. 37,300 का लेवल है बेसिकली बैंक निफ्टी का. लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी कल सीपीआर के ऊपर खुले तो भी डोंट जंप इनटू द ट्रेड वेरी वेरी डेस्परेटली. मेक श्योर कि कल का जो सीपीआर है, जो प्रीवियस डे सीपीआर और R1 पिवोट लेवल है, दैट दे आर यू नो कमिंग टुगेदर. सो R1 पिवोट लेवल का ब्रेक होने का जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि सीपीआर नैरो है, इसलिए डेफिनेटली देर विल बी अ स्मॉल डिप, अ स्मॉल ट्रैपिंग एंड देन द प्राइस विल कंटिन्यू. सो एक सॉर्ट ऑफ ये यू रिकवरी हुई है, कल के दिन वी रिकवरी होने का हाई प्रोबेबिलिटी है. और अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई और प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया, S1 पिवोट लेवल ब्रेक हो गया, रेलवे ट्रैक पैटर्न अगर इंटैक्ट है, तो किसी को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. यू नो व्हाट द स्ट्रेटजी इज, मार्क द लो, वेट फॉर कंसोलिडेशन. व्हेन द लो इज ब्रोकन यू गेट इनटू द ट्रेड. सो ये था मेरा प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 22nd of November. सोमवार का दिन है. एक्यूरेटली ट्रेड कीजिए, पेशेंटली ट्रेड कीजिए, आराम से चार्ट्स को देखिए, एंड इट इज वेरी 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 इजी टू मेक मनी. सो लेट्स मेक मनी टुगेदर एंड लेट्स टेक वन टेक दिस वन क्वाइट सीरियसली. सो थैंक यू सो मच. प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. 5-10 कमेंट्स आ रहे हैं, 500 600 700 लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कमेंट करते हैं. सो प्लीज इफ यू वांट दिस सीरीज टू कंटिन्यू एंड इफ यू वांट मी टू यू नो कम फॉरवर्ड एंड कीप रिवीलिंग सर्टेन अमेजिंग नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स, तो डेफिनेटली प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच.